नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिफेंस के नज़रिया से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वो टॉपिक है हमारा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का। ठीक है, सो व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड या व्हाट आर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। हमने जब भी डिफेंस की बात की तो हम आर्मी के बारे में जानते हैं, हम नेवी के बारे में जानते हैं, हम एयरफोर्स के बारे में जानते हैं, बट ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स क्या है? तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड का मतलब है पुटिंग टुगेदर। जी हाँ, हमारी जो इंडियन आर्मी है वो अपने ऑलरेडी एडवांस स्टेज में है सभी बैटल ग्रुप्स को टुगेदर एक साथ लाने में, राइट? सो ऑल द बैटल ग्रुप्स, जितने भी बैटल ग्रुप्स हैं उनके जो मुख्य चीज़ें हैं उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है बाय रीकन्फिगरिंग इट्स कॉम्बैट फॉर्मेशंस। यानी जो उनकी कॉम्बैट फॉर्मेशन है उनको फिर से रीकन्फिगर करके उन्हें एक साथ लाया जा रहा है ताकि हमारे पास बेस्ट डिफेंस फोर्सेस हो सकें या बेस्ट डिफेंस ग्रुप्स हो सकें। क्या है IBG, क्या है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, चलिए थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट आर IBGs? देखिए, IBGs जो हैं ये एक ब्रिगेड साइज की अजाइल और सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशंस हैं, ठीक है, जो कि स्विफ्टली लॉन्च कर सकती है स्ट्राइक्स दैट इज अगेंस्ट एंड एडवर्सरी इन केस ऑफ हॉस्टिलिटीज। यानी कहीं भी अगर हॉस्टिलिटी की सिचुएशन आ रही है तो वहां पर जो हमारे ये IBGs होंगे ये जो है वी कैन से कि दे कैन लॉन्च दी स्ट्राइक्स ऑन देम। ठीक है, तो बेसिकली हमारा IBG ये है। अब जितने भी IBG हैं, ईच IBG वुड बी टेलर मेड बेस्ड ऑन थ्रेट, टेरेन एंड टास्क। तीन चीज़ें इनका, एंड वन मोर थिंग दैट इज रिसोर्सेज। सो आपको यहाँ पर याद रखना है T3R। ठीक है, क्या क्या है? थ्रेट, टेरेन, टास्क एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो मेन जो हमारा है बेसिकली वो ये T3 है। ठीक है, थ्रेट, टेरेन और टास्क, और इनके पर बेस्ड रिसोर्सेज अलॉट होंगी बेस्ड ऑन दीज थ्री टीज। ठीक है, तो थ्री टीज याद रखिएगा और R से मतलब है जो इन्हें रिसोर्सेज एलोकेट होने वाली हैं। ओके, नाउ ये जो IBGs हैं बेसिकली व्हाट आर दे नीडेड टू? दे नीड टू बी लाइट। सो जो उनका लॉजिस्टिक्स होगा वो लो रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये लाइट वेटेड इनके पास लॉजिस्टिक्स होंगे तो ये बड़े ईजिली तरीके से खुद को मोबिलाइज कर सकते हैं विदिन 12 to 48 hours बेस्ड ऑन दी लोकेशन। ठीक है, और एक IBG जो है वो ऑपरेट करेगी डेजर्ट, उसमें इन अ डेजर्ट बेसिकली, एंड दिस नीड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड डिफरेंटली फ्रॉम एन IBG ऑपरेटिंग इन दी माउंटेन्स। यानी कि जो माउंटेन्स की हमारी IBGs होंगी, जो हिली रीजन्स में होंगी और जो डेजर्ट में होंगी, उनमें डिफरेंस होगा। ठीक है, जो की कॉप्स हैं बेसिकली हमारी आर्मी के, वो इसे रीऑर्गेनाइज करेंगे 1:3 IBG में या 1:3 IBG में, 1:3 IBGs। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस क्या है। सो बिटवीन अ ब्रिगेड एंड अ डिवीजन, ठीक है, IBG जो है एक ये फॉर्मेशन होगी जिसमें कि एलिमेंट्स ऑफ इन्फेंट्री, टैंक, रेजिमेंट्स, आर्टिलरीज, UAV, इंजीनियर्स और सिग्नल्स, ये लोग होंगे। ठीक है, ऑल्सो वी विल बी हैविंग हेयर 6 battalions बेसिकली, पहली इन्फेंट्री की, दूसरी आर्मर्ड की, तीसरी आर्टिलरी की, और ये जो है अलग अलग जगहों पर जो है इन्हें प्लेस भी किया जाएगा। हर एक IBG में डिफरेंशिएशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट, टेरेन एंड टास्क। यानी कि थ्रेट किस प्रकार का है, टेरेन कौन सा है, लोकेशन कौन सी, और टास्क क्या मिला है इन्हें। ठीक है, तो ये है हमारा IBG। आई होप ये आपको इसका थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। ये हमारे द हिंदू के न्यूज़पेपर में आज आया था बेसिकली, और इस पर जो प्लान है वो बड़े अच्छे से जो है ये कार्यवाही हो रही है उनको रिलेटेड। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है IBG का? देखिए, IBG का एम है होलिस्टिक इंटीग्रेशन। मैंने आपको पहले बोला, अपने नाम से ही क्लियर है, होलिस्टिक इंटीग्रेशन टू एनहांस दी ऑपरेशनल एंड फंक्शनल एफिशिएंसी। जितनी भी फंक्शनल एफिशिएंसीज हैं उन्हें बढ़ाना, उन्हें इंटीग्रेट करना, उन्हें ऑप्टिमाइज करना, जो इनका बजट एक्सपेंडिचर है उसके तहत, और इसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन होना फोर्सेस में और उनके फैसिलिटेशन में भी। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव किसका, IBG का। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। ओके, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए
कहते हैं कि वाइल अ कमांड इज द लार्जेस्ट स्टैटिक फॉर्मेशन ऑफ द आर्मी, ठीक है, और ये स्प्रेड है अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफीज में, और इसमें जो है जो कॉर्प्स होता है बेसिकली, ये कॉर्प्स जो है इट इज द लार्जेस्ट मोबाइल फॉर्मेशन, ठीक है। अब टिपिकली क्या होता है कि हर कॉर्प में लगभग 3 ब्रिगेड्स होते हैं, ओके। अब यहां पर आइडिया ये है कि इन्हें हमें रीऑर्गेनाइज करना है इनटू द आईबीजीज, जो कि ब्रिगेड साइज यूनिट्स होंगी, लेकिन जितने भी उनके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इन्फेंट्री हो गया, आर्मरी हो गया, आर्टिलरी हो गया, एयर डिफेंस हो गया, ये एक साथ एम्बेडेड होंगे, दे विल बी एम्बेडेड टुगेदर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 T's, कौन कौन से, थ्रेट, टेरेन और टास्क, ओके। अब जो आईबीजी है ये इसका नेचर डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों होगा, ठीक है, और जब वाइल वो ऑफेंसिव होगा, वाइल द ऑफेंसिव आईबीजीज होंगे ये, दे वुड क्विकली मोबिलाइज एंड मेक अ थ्रस्ट इनटू द एनिमी टेरिटरी फॉर स्ट्राइक्स, ठीक है। मतलब ये कि अगर हम ऑफेंसिव मोड में हैं तो हम क्या करेंगे, ये क्विकली जो है थ्राइव करेंगे इन द एनिमी टेरिटरी, और जब ये डिफेंसिव मोड में होंगे, यानी डिफेंसिव आईबीजीज जो होंगी, इनका काम होगा कि भाई अपने ग्राउंड को होल्ड करते हुए, ठीक है, एट द वल्नरेबल पॉइंट्स आप एनिमी के एक्शन को जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसको रोकने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर है हमारे आईबीजीज का, ठीक है, ओके। ये इमेज दिया है, एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा तो थोड़ा और आइडिया हो जाएगा डिफरेंस क्या है पहले के और अब में इससे भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ज़रूरत क्या है हमें आईबीजीज की, भाई चलो जैसे है वैसे चल रहा है, क्या ज़रूरत है? ऑब्वियसली ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से जो गतिविधियाँ हो रही हैं वर्ल्ड लेवल पर उसको देखते हुए हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे जब आपको याद होगा पार्लियामेंट पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, राइट, तो आफ्टर दैट अटैक जो हमारी इंडियन मिलिट्री थी उन्होंने मैसिव मोबिलाइजेशन किया, ठीक है, लेकिन जो आर्मी की फॉर्मेशन थी वो कहीं ना कहीं अभी भी वीक थी, ठीक है, उनमें जो है ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है वो उभर कर नहीं आ पा रहा था, और जिसकी वजह से कई बार उनकी मोबिलाइजेशन लूज भी हो जा रही थी, ठीक है। नाउ फॉलोइंग दिस जो आर्मी थी उन्होंने फॉर्मुलेट किया एक प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन जिसको नाम दिया गया कोल्ड स्टार्ट, ठीक है, और ये डॉक्ट्रिन लाया गया टू लॉन्च स्विफ्ट ऑफेंसिव, बट इट्स एग्जिस्टेंस वॉज कंसिस्टेंटली डिनाइड इन द पास्ट, ठीक है। अब इसका जो एग्जिस्टेंस था उसे एक्नॉलेज किया गया पहली बार बाय होम, बाय लेट जनरल रावत इन जनवरी 2017। सो इन वजहों की वजह से हमें ज़रूरत है, इन कारणों की वजह से हमें ज़रूरत है आईबीजीज की, ठीक है। और आईबीजीज क्या है ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, कि ये भाई 12 से 48 घंटे में जो है मोबिलाइज कर लेते हैं खुद को, ये ब्रिगेड साइज के यूनिट्स हैं बेसिकली, जो जिनकी जो क्वालिटीज़ है वो है अजाइल, सेल्फ सफिशिएंट, कॉम्बैट फॉर्मेशन, और ये 3 T's के बेसिस पर काम करते हैं, क्या क्या है, थ्रेट, टेरेन एंड टास्क। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर पूछिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।